सो हेलो गाइस, गेट टू नो यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुशोभन घोष और आज के ट्यूटोरियल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा आप कैसे किसी भी चेंजेस का ट्रैक रख सकते हैं, उसे हाइलाइटेड कर सकते हैं एक्सेल में। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर एक डेटा है और इस डेटा में मैं चाहता हूँ अगर कोई भी चेंजेस हो उसे मुझे ट्रैक चाहिए और हाईलाइटेड चाहिए। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर रिव्यू ऑप्शन में आ जाना है। रिव्यू ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आप ट्रैक चेंजेस देख रहे हैं, यहाँ पर आपको हाईलाइटेड चेंजेस में क्लिक करना है और यहाँ पर जो टिक ऑप्शन दे रहा है इसे टिक कीजिए तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि आप कब से कब तक करना चाहते हैं। यहाँ पर आप ऑल रखिएगा, यहाँ पर एवरीवन, और आप खुद को छोड़ के सभी लोगों को रख सकते हैं, तो मैं एवरीवन ही रखूँगा। और वेयर मतलब आपको स्पेसिफिक कई जगह पर चाहिए तो यहाँ पर आप वो जगह सिलेक्टेड रख सकते हैं। तो मुझे हर पूरा शीट में चाहिए अगर कोई भी चेंजेस हो तो यहाँ पर मैं ब्लैंक रखूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए ये डेटा मुझे ये एक्सेल सेव नहीं है तो पहले ज़रूरी इसे सेव कर लेंगे। तो हम इसे सेव कर लेंगे बुक 3 के नाम से ही सेव कर लेंगे। तो सिंपली हमने बुक 3 के नाम से इसे सेव कर लिया और ये चेंजेस अब यहाँ पर हम कोई भी चेंजेस करेंगे, जैसे मिड मार्केट को हटा के मैं यहाँ पर गवर्नमेंट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक चेंजेस आ गया है और दिखा रहा है कि सेल A5 जो है वो मिड मार्केट से गवर्नमेंट किया है और ऑथर का नाम भी दिखा रहा है और कब किया है वो भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं और कई सारे चेंजेस कर दूंगा, जैसे यहाँ पर मैं फ्रांस कर दूंगा, इसे मोंटाना कर दूंगा और यहाँ पर मैं वन में देखिए सभी जगह मैंने चेंजेस कर दिए हैं। अब बहुत सारे जगह चेंजेस हो जाते हैं तो उसका ट्रैक भी रखना पड़ता है और यहाँ पर आप एक समरी निकाल सकते हैं। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर ट्रैक चेंजेस आने के बाद आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस में जाना होगा और यहाँ पर आप ओके ऑप्शन क्लिक कीजिए और यहाँ पर फिर से आपको ओके ऑप्शन क्लिक करना होगा और यहाँ पर जो भी है उसे आप सिंगली एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने किया एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक, अब सिंपली मैं ट्रैक चेंजेस पे जाऊंगा, हाइलाइटेड चेंजेस पे जाऊंगा और यहाँ पर एक ऑप्शन इनेबल हो गया है। जैसे इसे चेक करना है कि लिस्ट चेंजेस ऑन ए न्यू शीट, यहाँ पर मुझे पूरा समरी मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा आपको लोड होगा, ये देखिए यहाँ पर किसने चेंज किया है, क्या चेंज किया है, कौन सी शीट पे चेंज किया है और कौन से रेंज पे चेंज किया है और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सभी यहाँ पर आ गए हैं। तो ऐसे आप चेंजेस को ट्रैक रख सकते हैं और आपको काम करने में बहुत ही आसानी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल में नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ।